सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो अपने को बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 44,516 की, जो कि कल की क्लोजिंग से 156 पॉइंट प्लस में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सो अपन चलते हैं चार्ट पे। सो एज यू कैन सी, मार्केट का ये है अपना 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट, जो कि मार्केट ने यहाँ पे अपने को एक डोजी कैंडल देखने को मिल सकती है, सॉरी देखने को मिली है, जो कि इसने जो ये कैंडल है इसने अब जो ऊपर की साइड में अच्छा खासा रिजेक्शन खाया है, एंड नीचे भी रिजेक्शन खाया है, लेकिन ऊपर की बजाय नीचे की साइड में कम रिजेक्शन खाया है, जो कि प्रूफ करता है कि मार्केट में सेलर्स का अच्छा खासा डोमिनेट कर रखा है सेलर्स ने। सो अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एज यू कैन सी, ये रहा अपना 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। सो अब हम बात करें तो मार्केट अपना आज खुला था गैप अप। ओके, सो मार्केट गैप अप खुलता है एंड ऊपर की साइड ट्रेवल करता है अच्छा खासा। एज यू कैन सी, मार्केट जस्ट यहाँ पे खुलता है एंड ऊपर की साइड ट्रेवल करता है, एंड जो अपन ने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है सेम उसी जोन से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है एंड अगेन एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट करता है, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। जो जो देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे है ना, जो भी अपने पास रिजेक्शन वगैरह देखने को मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड जो भी ट्रेंड लाइन होती है, वो काफ़ी अच्छे एंड स्ट्रोंग होते हैं, अच्छे खासे वर्क करते हैं। सो आज के वीडियो में अपन अगर नोट करें तो, मार्केट में नोट करें तो सेम जगह से मार्केट ने रिजेक्शन खाया है, ठीक है। अब है एक चीज़ और है, अब अपन चलते हैं 5 मिनट पे। ओके, ये रहा अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। आज के दिन एक्सपायरी भी थी, ठीक है। आज भाई बायर्स ने पैसे नहीं कमाए, बायर्स ने पैसे कमाए ही नहीं, जो सेलर्स है ना, कॉल सेलर्स, पुट सेलर्स, उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया आज। मार्केट ने किया क्या है, जस्ट स्टार्टिंग में, सॉरी, हाँ स्टार्टिंग में मार्केट ने हल्का मोमेंटम दिया। ओके, जस्ट ओपन एंड मोमेंटम दे दिए यहीं पे, एक सेकेंड में इनको रिमूव करता हूँ। हाँ, सो हम बात करें तो मार्केट जस्ट ओपन होता है एंड ऊपर की साइड मोमेंटम देता है, एंड जो अपन ने ये जो अपने पास ये वाला रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है अपन लोगों ने, ये जो, तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो टाइम फ्रेम पे अपन ने रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है, वहीं से जस्ट रिजेक्शन लेता है एंड मार्केट ही धड़ाधड़ नीचे आ जाता है। एज यू कैन सी, मार्केट ने रिजेक्शन लिया एंड नीचे डाउन, एंड उसके बाद में मार्केट वापस कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन सेम देखो इस कैंडल में देखो, अच्छे खासे सेलर्स, अच्छा खासा डोमिनेट किया सेलर्स ने, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन लेता है, जिसके बजाय अपने को ये एक रेजिस्टेंस जोन अपने को क्रिएट होता है, जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने लिए काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है। उसके बाद में मार्केट में यहाँ पे आता है, एक रेंज में फंस जाता है। अगर अपन इस रेंज को मेजर करते हैं, ठीक है, अपन इस रेंज को देखते हैं, मार्केट यहाँ पे घूम रहा था ओनली ओनली 100 पॉइंट्स की, 100 भी नहीं, ओनली 90 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट फुल टाइम घूम रहा था, जो कि यहाँ पे ना तो बायर्स पैसा कमा रहे थे ना सेलर्स पैसा कमा रहे थे, ठीक है। एक आधी स्केल्पिंग की ट्रेड ली तो ले ली, ठीक है, उसके अलावा कोई मतलब वाली बात थी नहीं। यहाँ पे ओनली सेलर्स ने पैसे कमाए आज के मार्केट में, जो कि आज एक्सपायरी थी। उसी का ये अपने को सीन देखने को मिला। पूरे टाइम मार्केट एक रेंज में था एंड मार्केट इस रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा था काफ़ी अच्छे से, देख सकते हो आप, ये मार्केट में ये रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा था एंड नीचे ये सपोर्ट, यहाँ पे इस रेंज में मार्केट फंस गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट हल्का सा यहाँ पे अपने को ब्रेकडाउन देता है एंड ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। इसमें दो कंडीशंस थी, मार्केट ने पहली बात तो यहाँ पे ये जो अपने पास ने ब्रेकडाउन दिया एंड रिटेस्ट कैंडल बनाई नहीं, एंड देखो पहली बात अपने को एंट्री मिली ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, सेकेंड रेड कैंडल क्लोज की एंड यहाँ पे रिटेस्ट कैंडल बनाई, एक वापस यहाँ पे नीचे आए ही नहीं, जो कि अपन एंट्री लेते हैं, ठीक है। अपने को एंट्री नहीं बनती यहाँ पे। एंड दूसरी बात अगर हम बात करें, ये है कि अब आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम नोट करें,
अपन ने ये ट्रेंड लाइन बना रखी है, ओके, अपन ने ये क्रिएट कर रखी है ट्रेंड लाइन, सो यहीं पे मार्केट ओपन, एंड ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको, सॉरी 15, हाँ, सो ये ट्रेंड लाइन अपने पास आ रही है, यहाँ पे मार्केट आता है एंड इसी पे सपोर्ट लेके वापस मार्केट रिवर्सल मार लेता है। सो इस ट्रेड के पीछे का रीज़न ये था, तो अपने यहाँ पे एंट्री लेने का कोई रीज़न बन रहा नहीं था इतना अच्छा। ओके, सो वापस 5 मिनट पे चलते हैं अपन। ये रहा अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। सो अगेन यहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन लेता है, धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे आके एंड कर देता है। सो मार्केट में आज कुछ खास था नहीं, एंड एक्सपायरी थी तो सेलर्स ने पैसे कमाए एंड बायर्स देखते रह गए, कुछ लोगों ने किया, सो स्कैल्पिंग वगैरह करने वाले प्रॉफिट ले गए हल्का फुल्का, एंड बाकी इंट्राडे करनी है जिन लोगों को, उन्होंने कुछ कर नहीं पाए, सो इनके अलावा कुछ था नहीं। सो अब हम बात करते हैं कल के मार्केट की। ओके, सो इनको डिलीट करते हैं पहले। अब हम बात करते हैं कल के मार्केट की। सो अपना एक बेसिक सा फंडा तो है ही, प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो अपने लिए हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। सो अपने पास ये है आज का हाई जो कि रेजिस्टेंस वर्क करेगा, इसके अलावा ये अपने पास जोन भी पड़ा है, सॉरी अपने पास ये जोन है, रेजिस्टेंस जोन है प्लस आज का हाई, सो यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस बन गया है। ओके, एंड नीचे अपने पास सपोर्ट ये है। अब मैटर करता है मार्केट ओपनिंग कहाँ करता है, ठीक है। सो मार्केट ऑलमोस्ट शायद इसी जोन में, अगर कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आई तो मार्केट इसी जोन में ओपन करेगा एंड अपने को यहीं पे कंसोलिडेट। ये मार्केट एक तरीके से देखे तो ट्रैपिंग जोन में आ गया है, ठीक है, यहाँ पे सबको ट्रैप करने वाला है, जो ये जोन है यहाँ पे मार्केट ट्रैप करने वाला है अगर इसी जोन में खुलेगा। सो अगेन कल यही सीन अपने को देखने को मिलेगा, या तो ब्रेकडाउन या फिर सॉरी ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट वाला नाटक अपने को देखने को मिलेगा। एंड होता है प्रॉपर प्रेडिक्शन के साथ में विथ रिटेस्ट, अच्छा तो अपन वहाँ पे एंट्री लेंगे। ओके, सो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट ट्रेड ये बनेगा कि यहाँ से इस जोन में खुलता है तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। ओके, इसके अलावा मार्केट बड़ा गैप डाउन एंड गैप अप ओपनिंग होती है इस जोन के बाहर, सो अपन फॉलो करेंगे प्रोजेक्शन। अगर अपन यहाँ पे देखो इतना बड़ा भी गैप अप होने से रहा, ओके, इतनी खतरनाक न्यूज़ भी नहीं है मार्केट में, इतनी गंदी न्यूज़ भी नहीं है मार्केट में जो कि यहाँ पे इतना बड़ा भी ये गैप अप खुल जाएगा। सो वैसे देखे तो 200 पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के समथिंग खुलता है तो यहाँ पे ये सपोर्ट है एंड इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, सो ऊपर का अपन व्यू बना सकते हैं। ओके सर, अब अगर हम बात करें तो देखो ये है अगर इस जोन के ऊपर, ओके, सो क्लोजिंग यहाँ पे है एंड ये अपने पास ओनली 200 पॉइंट के, तो 200 पॉइंट मार्केट गैप अप खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो गैप अप खुलता है एंड इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है, जो अपने पास ये जोन है सस्टेन करता है, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग करनी चाहिए। ओके, मेन चीज़ है ये क्लोजिंग, सो मार्केट क्लोजिंग थे एंड यहाँ पे सस्टेन करे तो अपन ऊपर का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, एंड मार्केट नीचे की साइड यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, सो अपने पास ये सपोर्ट है, सो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्शन बनता है सो अपन उसको फॉलो करेंगे एंड जो भी अपने पास व्यू बनता है उसको फॉलो करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो कुछ थोड़ी लंबी भी हो गई, अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो में पूछ सकते हो, कमेंट्स में सेक्शन में पूछ सकते हो आप, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।